सत्यपाल मलिक ने 4-5 दिन पहले इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में 2-3 अच्छी और 2-3 बुरी बातें हैं। सरकार का नुकसान, किसी संवेदनशील पद पर कार्य कर चुके इंसान का बुक लिखना और इंटरव्यू देना यह सरकार की कार्य प्रणाली को कमजोर कर सकता है। यह सरकार में काबिल लोगों में अविश्वास पैदा करता है जो सरकार को चलाने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य की जानकारी दुश्मन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकती है। सरकार का फायदा, आम जनता के जो संदेह थे वो दूर हो गए। ऐसे इंटरव्यू की वजह से लोगों का सरकार में विश्वास मजबूत होता है। इन समस्याओं की वजह से सरकार संवेदनशील होकर कार्य करती है तो सरकार के ऊपर हमेशा लापरवाही बरतने का आरोप जो लगता है उसकी संभावना कम होती है। जनता का नुकसान, इस प्रकार के इंटरव्यू की वजह से जनता अपने मुद्दों को भूल जाती है और उनके काम की बात से भटकती है। सरकार के द्वारा जनता की तरफ जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। जनता का फायदा, जनता खुद के लाभ और हानि का तोलमोल कर सकती है और सरकार की मंशा जनता के सामने उजागर होती है। ऐसे इंटरव्यू की वजह से जनता में जो अविश्वास पैदा होता है, जनता में इस अविश्वास को कम करने के लिए सरकार को कोई नई घोषणा या स्कीम को शुरू करना पड़ता है।